बड़वानी में पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर शहर के पाटीनाका क्षेत्र से अकील उर्फ बाबा नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सूचना मिली थी कि पाटीनाका क्षेत्र में एक व्यक्ति गांजा लेकर आ रहा है, जिस पर पुलिस ने पाटीनाका पर पॉइंट लगाकर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी। तभी अकील उर्फ बाबा पर संदेह होने पर उसे हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उसके झोले से करीब 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, कोतवाली पुलिस ने गांजे को लेकर कार्रवाई की है, सर क्या मामला? ये अभी पुलिस मुख्यालय के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ जो अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने वाले रखने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। SP बड़वानी श्री निमित अग्रवाल सर ने निर्देशित किया था कि इस पर कार्रवाई करें। जो पुलिस टीम कोतवाली बड़वानी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, मुखबिर सूचना मिली कि आज जो है पाटी नाके के पास एक व्यक्ति जो है गांजा लेके आने वाला है। जो टीम में जो है SI विजय रावत, SI लोवंशी और सभी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे। जैसे ही मुखबिर के बताए अनुसार वहाँ पर अकील उर्फ बाबा नाम का व्यक्ति वहाँ पहुँचा था। जब उसको पकड़ के उससे पूछताछ की गई और उसके पास जो झोला था उसकी तलाशी ली गई तो उसमें गांजा जो है मादक पदार्थ पाया गया। प्रथम दृष्टिया ये जो अपराध है ये NDPS एक्ट की धारा 8/20 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसमें उक्त गांजा आरोपी से जब्त कर लिया है, जब्त करके उसको आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। सर, कितना गांजा था इसमें? करीब 2 किलो 400 ग्राम गांजा उससे जब्त हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।